मैडम क्यूरी का पूरा नाम मैरी स्क्लाडोवका क्यूरी था। प्यार से सभी उन्हें मैरी क्यूरी के नाम से पुकारते थे। मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 में पोलैंड के वारसा नगर में हुआ था। मैरी क्यूरी एक विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। 1911 में उन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण यानी आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए रसायन शास्त्र का नोबल पुरस्कार भी जीता। विज्ञान की दो शाखाओं भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली महिला थी। मैडम क्यूरी और उनके पति ने 1898 में पोलोनियम के महत्वपूर्ण खोज की थी। इसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने रेडियम की खोज भी की। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके साथ ही उन्होंने रेडियोधर्मिता का सिद्धांत भी दिया। मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे की मृत्यु के बाद एक्सरे के विकास को भी पूरा किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक्सरे के लिए मोबाइल रेडियोग्राफी की खोज की थी। उनकी इस खोज को लिटिल क्यूरी के नाम से जाना गया। रेडिएशन के संपर्क में आने के चलते मैडम क्यूरी अप्लास्टिक एनीमिया की शिकार हो गई थी, जिसके चलते 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई थी। मैडम क्यूरी ने अपने ज्यादातर कार्य बिना किसी सुरक्षा उपाय के किए थे। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाले टेस्ट ट्यूब अपनी जेब और डेस्क में रखा करती थी, जिनसे होने वाले रेडिएशन का असर ही उनकी मौत का कारण बना।